अलायंस का मतलब होता है एक दूसरों की मदद करके चुनाव जिताना। तो इसलिए इमेटीरियल है कि संख्या किसकी ज्यादा है किसकी कम है। और बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले दिन से स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, वो उन्हीं के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया है। नरेंद्र मोदी पर लोगों को भरोसा है और नीतीश का मतलब विकास, ऐसे लोगों ने वोट दिया है और आगे भी वो मुख्यमंत्री बनाएंगे 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, और बिहार की सेवा करने के लिए लोगों ने जनादेश दिया है। 15 साल सरकार में रहने के बाद भी अगर इतना स्पष्ट जनादेश मिलता है, ये क्या बतलाता है कि बिहार की जनता चाहती कि नीतीश कुमार फिर एक बार मुख्यमंत्री बने, बीजेपी जेडीयू की सरकार बने और इन लोगों को काम करने का मौका दिया जाए। तो इसलिए देखिए, हम लोगों को कहीं कोई भ्रमित, हाँ जरूर हम लोग पहले लगता था कि 150 तक पहुंचेंगे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने जिस तरह से विद्रोही उम्मीदवारों को खड़ा किया चुन चुनकर, उसके कारण 25-30 सीटों का नुकसान जरूर एनडीए को बिहार के अंदर हुआ है, नहीं तो हम 150 तक पहुंच जाते। इसलिए स्पष्ट जनादेश में कहीं कोई तनिक भी हम लोग को भ्रम नहीं था। ये अमित शाह ने कहा गया, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा गया, संजय जायसवाल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम क्या सुशील मोदी रहे?